और इन दिनों तो आप काफी राम कथाएं कर भी रहे हैं, कुछ उसके बारे में? हाँ हाँ कर रहे हैं, हम जगह जगह गाते हैं, सुंदरकांड गाते हैं, जगह जगह लोगों में ले जाते हैं। आज केवल ये बताइए कि मंदिर कैसा बने। अब अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो मैंने कहा कैसा बने? अरे ऐसा बने जैसा हमारे हृदय के अंदर बना हुआ है। क्या बात, और कैसा बने? वो इमारत थोड़ी होनी चाहिए, वो मंदिर होना चाहिए जो हमारे हृदय में बना, ऐसा दर्शन हो जाए सामने। उसके लिए भी कोई संगीतमय प्रस्तुति है जो आप गाते हो? हम एक एक तैयार कर रहे हैं भजन, बहुत अच्छा। अच्छा, उसमें ये बात होगी कि उसको मंदिर को देखकर, वो मंदिर ऐसा बनना चाहिए कि मंदिर को देखकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आकर्षित हो जाए, वहाँ चले जाए। गोल्डन टेम्पल में क्या है, बिल्कुल चार दरवाजे हैं, एक हिंदू वहाँ से आए, मुसलमान आए, एक तरफ से क्रिश्चियन आए, एक तरफ से दूसरे धर्म के आए। ऐसा नहीं कि उसी से जाना ज़रूरी है, नहीं, लेकिन उसकी शेप ऐसी बनाई हुई है कि इंसान आकर्षित होता वहाँ पहुँच जाते। सब तो जाते हैं वहाँ, बंगाली को हमने कितने लोग वहाँ देखा, तो ऐसा मंदिर हो कि सब आकर्षित हो, सब जाए। तो उसमें भी आप जब मंदिर बनेगा तो उसमें कार्यक्रम भी तो आपका नहीं होना बनेगा चाहिए। क्या, बनते बनते जाएंगे कितनी बार, और जब बन जाएगा तो बहुत बार जाएंगे। तो कोई एक खास भजन जो आप वहां पर गाना चाहते हो? अभी हमें वो तैयार करना, देखिए हमारे सारे भजन लोगों ने सुने हुए हैं, जी जी लेकिन हमको ऐसा भजन एक बनाना है कि उसको सुन के लोग कहें वाह, ऐसी ही कल्पना की थी मंदिर की जो बना है। और अपने पुराने भजनों में से भगवान राम पर कोई पसंदीदा आपका भजन? एक भजन मुझे बहुत पसंद है, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, धनुष को शत शत करो प्रणाम, धनुष को शत शत करो प्रणाम, धनुष ना होता कैसे मिलते सीता जी को राम, धनुष को शत शत करो प्रणाम। तो राम के इस प्रकार के भजन वहाँ गाए जाएंगे कि लोगों के अंदर और आस्था बढ़े।